सबसे पहले हम 4700 को प्लस करेंगे 800 में। ये हम क्यों कर रहे हैं ये जान लीजिए। आप फ्रेंड ने स्कूटर खरीदा था 4700 में और इसके रिपेयरिंग के लिए 800 रुपीज़ लगा दिए थे, तो दोस्तों उसे स्कूटर कुल कितने रुपए में पड़ गया, यानी सीपी ऑफ स्कूटर क्या है। सीपी ऑफ स्कूटर लिख लेगा 4700 प्लस 800 करके। यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5500। दोस्तों ये आ गया आपका सीपी ऑफ स्कूटर। सीपी ऑफ स्कूटर है 5500। और दोस्तों एसपी क्या था, यानी सेलिंग प्राइस क्या था। सेलिंग प्राइस था आपका 5800। समझ गए दोस्तों, सीपी आ गया हमारा 5500 और एसपी था 5800। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझ गए दोस्तों प्रॉफिट क्यों हो रहा है, यदि हमारा एसपी जो है सीपी से बड़ा होता है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, यदि सीपी बड़ा हो जाता है तो हमें लॉस हो जाता है। समझ गए, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी सेलिंग प्राइस होता है। सीपी क्रय मूल्य होता है हिंदी में और एसपी विक्रय मूल्य होता है हिंदी में। समझ गए दोस्तों, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। चलिए प्रॉफिट हो रहा है ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों हमें पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हम 5800 माइनस 5500 करेंगे, यानी दोस्तों एसपी माइनस सीपी करेंगे हम। समझ गए दोस्तों, तो 5800 में से यदि हम 5500 माइनस करते हैं तो हमारा 300 आंसर आता है। समझ गए, 300। यदि हम 5800 में से माइनस करते हैं 5500 तो हमारा आंसर क्या आता है, 300। 300 क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। थ्री हंड्रेड ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। समझ गए दोस्तों, गेन परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन। दोस्तों प्रॉफिट और गेन इन दोनों का मतलब ही लाभ होता है। चलिए तो दोस्तों गेन परसेंट का फॉर्मूला आप देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप, गेन गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर दीजिए। गेन परसेंट गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यानी दोस्तों हिंदी में लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये आपका फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला। फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट परसेंट। समझ गए, गेन परसेंट। चलिए दोस्तों अब आप गेन की जगह क्या लिखेंगे, हम 300 लिखेंगे, क्योंकि जो गेन आया था हमारा वो 300 आया था, और सीपी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5500 और इंटू 100 कर देंगे। चलिए तो दोस्तों गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन कितना था हमारा दोस्तों 300, और सीपी कितना था 5500 इंटू 100। दोस्तों इन दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया 300 अपॉन 55। दोस्तों हम 5 से कट कर देते हैं, 5 5 5 5 5, 5 6 30 और 0 का 0। दोस्तों हमारे पास आ गया आप 60 अपॉन 11, 60 अपॉन 11,
सिक्सटी अपॉन इलेवन इज इक्वल टू, अब दोस्तों हमें क्या करना है, 60 को डिवाइड करना है 11 से, 5 रिमाइंडर, समझ गए दोस्तों। तो ये क्या आ गया, तो दोस्तों ये आ गया हमारा 5 एंड 5 अपॉन 11। दोस्तों ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 5 एंड 5 अपॉन 11 पर, ये आ गया आपका दोस्तों प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 5 एंड 5 अपॉन 11। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी दोस्तों ऑफ रेट को 5 एंड 5 अपॉन 11% की प्रॉफिट हुई, यानी लाभ हुआ उसे, 5 से ही 5/11 का लाभ हुआ। दोस्तों अंत में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।